हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मॉम्स फाइनेस्ट किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बिना दही यूज किए और बिना फर्मेंट किए इंस्टेंट और स्पॉन्जी बेसन का ढोकला। ये ढोकला हम इनो यूज करके बनाने वाले हैं। एक कटोरी बेसन लेंगे, वजन में लगभग 100 ग्राम, 3 चम्मच चीनी, आधा नींबू का टुकड़ा, आधा चम्मच नमक, एक पैकेट इनो का लेंगे। तड़के के लिए एक चम्मच राई, 4 हरी मिर्च को बीच से 2 भाग में काट लिया है, कटी हुई बारीक हरी धनिया के पत्ते और करी पत्ते। मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें चीनी और नमक ऐड करेंगे, आधा कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद नींबू का रस निचोड़ लेंगे। जब तक चीनी ना घुल जाए इसे मिक्स करना है। चीनी के घोल में बेसन को ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई गांठ या लम्स ना रहे। थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेटेंगे। बेसन को जितना फेटेंगे ढोकला उतना ही स्पॉन्जी बनेगा। दो मिनट तक फेटने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इतना ही चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच ऑयल और इसे भी एक मिनट तक फेटेंगे। ऑयल से ढोकला फुला फुला बनता है। अब इसे साइड में रखेंगे। जिस बर्तन में ढोकला बनाना है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि उसमें ढोकला चिपके नहीं। ढोकले को हम कढ़ाई में बनाएंगे और इसमें रखेंगे स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो गैस का बर्नर या एक कटोरी को पलट कर रख लें। पानी को ऐड करेंगे। पानी स्टैंड के नीचे तक ही रखना है क्योंकि ढोकला हमें स्टीम से पकानी है। उसके बाद रखेंगे बर्तन ग्रीस किया हुआ और कढ़ाई को कवर करेंगे। ऐसे बर्तन को निकाल लेंगे और कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख देंगे। बैटर में इनो को ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच पानी। पानी से इनो जल्दी मिक्स होता है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है। बैटर हमारा तैयार है। इसे ऑयल से ग्रीस किए हुए बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। ध्यान रखना है इनो डालने से पहले बर्तन को ग्रीस कर लें। इनो डालने के तुरंत बाद बर्तन में बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे और बर्तन को टैप करेंगे ताकि बबल्स ना रहे। कढ़ाई में पानी गर्म हो गया है। अब इसमें बैटर को रख देना है, कवर करके इसे 15 मिनट तक पकने देना है। गैस को हाई फ्लेम पर रखना है। 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लें। हमें इसे उबालने में 15 मिनट लगे हैं। 15 मिनट बाद फोक से चेक करेंगे, एकदम क्लियर है, ढोकला उबल चुका है। अब इसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। अब एक चाकू से किनारों को लूज कर लेंगे ताकि ढोकला आराम से निकल पाए। अब इस तरीके से प्लेट रखकर उल्टा कर लेना है और उसे टैप करेंगे। ढोकला आराम से निकल गया है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। तड़का पैन को गरम करेंगे और गैस को करेंगे लो फ्लेम पे। एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद एक चम्मच राई और एक पिंच हींग ऐड करेंगे। कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और गैस को करेंगे ऑफ। इसके बाद करी पत्ती को ऐड करेंगे। 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे और ये हमारा तड़का तैयार है। अब इसे ढोकले पे स्प्रेड करेंगे और कटी हुई हरी धनिया से गार्निश करेंगे। फॉक से बीच बीच में होल करेंगे ताकि तड़का अंदर तक चला जाए। ढोकले को अपने पसंद के हिसाब से पीसेज में कट करेंगे।
आप देख सकते हैं ढोकला कितना स्पॉन्जी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।